कोरोना वायरस एक ऐसी बीमारी जिससे हम सब बहुत घबराते हैं, बहुत डरते हैं, जिसने पूरे दुनिया पर काबू कर रखा है, जिसके लिए हम काफ़ी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं ताकि इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो। हर जगह हेल्थ केयर वर्कर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं और फ्रंट लाइन पर रह के कोशिश कर रहे हैं कि ये और फैले ना और जो जिनको भी हो रहा है उन्हें ट्रीट कर सके। एक ऐसे ही हेल्थ केयर वर्कर को आज हम सुनेंगे जिनको कोरोना हुआ था और वो उसमें से अब बाहर निकले हैं, उनका एक्सपीरियंस सुनते हैं। पहले तो फर्स्ट यू टेल मी व्हाट आर यू वेयरिंग एक्चुअली। बस यहाँ पे पेशेंट्स वगैरह आते हैं तो मुझे पता नहीं चलेगा वो मींस पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सो दैट्स आई एम वेयरिंग अ मास्क। ओके, सो इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ मास्क एक्चुअली। जनरली हम सर्जिकल मास्क पहनते हैं बट आप थोड़ा सा जैसे डब की तरह, सो दैट इज एन N95 मास्क दैट ही इज वेयरिंग। सो ही इज अ हेल्थ केयर वर्कर हु वाज अफेक्टेड विद कोविड एंड ही विल टेल अस अबाउट हिज एक्सपीरियंस व्हेन ही वाज हैविंग कोविड। तो आपको जब पहली बार पता चला कि आपको कोरोना पॉजिटिव आया है तो आपका सबसे फर्स्ट रिएक्शन तब क्या था? जब मुझे मॉर्निंग में कस्तूरबा हॉस्पिटल से फोन आया था, मुझे कि आप कोरोना पॉजिटिव है, हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी पैर की जमीन पूरी हिल गई थी। देन मतलब पूरा ये हुआ था मुझे कि अभी आगे क्या होगा मेरा, हाँ। सो सडनली मैंने अपने हॉस्पिटल में फ़ोन किया कि हमारे जो डॉक्टर है एचओडी, उनसे फ़ोन पे बात किया तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप हॉस्पिटल में आ जाओ और क्वारंटाइन हो जाओ, जो भी आपका एडमिशन प्रोसीजर रहेगा। तो मैं उनको बताया और फिर यहाँ पे क्वारंटाइन होने के लिए यहाँ पे आया। तो कौन सी तारीख को आपको पता चला कि आपको पॉजिटिव है? 13 अप्रैल को मेरा फोन आया था कि आई वाज इन पॉजिटिव। ओके, कोविड-19। आपको कोई सिम्टम्स थे? नहीं, मैं एसिम्टोमेटिक था। अच्छा, कोई भी सिम्टम्स? तो आपने क्यों आपका टेस्ट करवाया? क्योंकि मैं सर हमारे जो अभी हॉस्पिटल ने एक ट्राई झोपड़ी चालू किया था, देन वहाँ पे मीन्स कोविड-19 के टेस्ट वहाँ पे होते थे, वहाँ पे सब पेशेंट का स्क्रीनिंग वगैरह और टेस्ट वहाँ पे होता था। तो फर्स्ट मेरे से ही स्टार्ट किया था। तो आई एम एज अ हेल्थ केयर वर्कर तो फोन तो आते ही हैं, तो हेल्थ केयर वर्कर से सबने एज अ कोविड के टेस्ट किए थे, तो मैंने भी ऐसा किया एज अ सेफर साइड के लिए, तो किया तो मेरा पॉजिटिव आया। तो बेसिकली क्योंकि आप हेल्थ केयर वर्कर हो और आप फ्रंट लाइन पे काम कर रहे थे तो आपका टेस्ट किया जो पॉजिटिव आया। अच्छा, तो जब आप हॉस्पिटल में रहे फिर तभी किसी ने आपके साथ मिसट्रीट किया या फिर किसी पेशेंट ने या हॉस्पिटल के स्टाफ ने आपको कुछ बोला जो आपको बुरा लगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। हॉस्पिटल जो यहाँ पे हेल्थ केयर वर्कर्स है, मेरे कलीग है, मेरे डॉक्टर्स है, नर्सेस है, मतलब और किसी ने भी ऐसा मुझे मिस्टेज वगैरह ऐसा कुछ नहीं किया। जैसे जो प्रोसीजर रहता है एडमिशन का, देन एडमिशन हो गया मेरा, देन एडमिशन होने के बाद जो भी कुछ ट्रीटमेंट वाइज हो रहे हैं सब ने एज अ सपोर्ट, जैसे पेशेंट को जैसे ट्रीट करते हैं वैसे ट्रीट किया। तो मतलब कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं था कि आप कोरोना पेशेंट है और बाकी नहीं है? कुछ भी नहीं। तो मतलब हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज ने आपको बिल्कुल भी अच्छी ट्रीटमेंट दी? पर जब आप ट्रीट हो गए और जब आप अपने मतलब वापस अपने बिल्डिंग, सोसाइटी, घर गए, तब आपको किसी ने मतलब मिसट्रीट किया, कुछ ऐसे लगा कि आपके साथ बुरा हुआ है? मेरे साथ मीन्स ऐसा, यहाँ से मैं डिस्चार्ज होकर घर पे चला गया, देन आफ्टर घर पे मैं 14 डेज क्वारंटाइन था। तो आफ्टर क्वारंटाइन के बाद मैं जस्ट नीचे ग्राउंड मारने के लिए गया, चलो सर फ्रेंड के साथ बात करते। तो जैसे फ्रेंड का एक क्राउड था तो जैसे मुझे देखा उन्होंने कि उन्होंने ऐसे बिहेव किया कि जैसे मैं कोरोना हो कि उनको भी हो जाएगा, तो वो मतलब दूर चले गए। तो जैसे जैसे डेज मतलब ऐसे जा रहे थे तो मुझे एक हर्टिंग फील होता था कि मुझे कोरोना तो हुआ है बट इतना बड़ा तो नहीं हुआ है ना कि मैं जैसे मैं मतलब मेरा निगेटिव रिजल्ट आया तो ऐसे जो सोसाइटी वाले और फ्रेंड्स मेरे उन्होंने ऐसा जो कर रहे थे मिसबिहेवियर, तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने गलती तो नहीं की, क्योंकि मेरे से गलती तो नहीं हुई कि मैं मुझे
COVID-19 पॉजिटिव आया, या फिर उसके बाद नेगेटिव होने के बाद भी मुझे ऐसे नजर से देख रहे थे कि एकदम बड़ा कुछ भयानक रोग है वो। इट इज सैड कि लोगों ने आपके साथ। तो फिर मैंने उनको समझाया, एज अ मैं हेल्थ केयर वर्कर हूँ, वहाँ पे मैं काम करता हूँ, तो मैं एज अ पेशेंट को आपकी तरह ऐसे ट्रीट नहीं करता। जो मेरा काम है वो मैं पेशेंट को एज अ जैसे हॉस्पिटल में ट्रीट करते हैं, तो आप वैसे भी मतलब एज अ यू ऑल्सो हेल्थ केयर वर्कर, क्योंकि आप घर पे जैसे आप अपने मम्मी पापा या बच्चे को ये करते हैं एज अ ट्रीट करते हैं, वैसे ही आप जैसे सोशल में जो मतलब क्या होते आपके कलीग्स है, हाँ, आपके फ्रेंड्स है, तो उनके साथ भी आप अच्छे से ही बिहेवियर करें, क्योंकि अच्छा, उनका भी मेंटली वो डाउन ना हो जाए। आपको क्या कोई इमरजेंसी के लिए बुला रहा है? नहीं। आपका कांटेक्ट ट्रेसिंग हुआ था? कांटेक्ट ट्रेसिंग से मेरा मतलब है कि जैसे आप पॉजिटिव हो तो आपके आजू बाजू में जितने लोग हैं उनको भी होने के चांसेस है, हाँ, कोरोना, तो आपका ऐसा कांटेक्ट ट्रेसिंग हुआ था? हो गया था। तो जैसे मैं हॉस्पिटल में मुझे क्वारंटाइन किया था, तो मुझे बीएमसी हॉस्पिटल से भी फोन आए थे, देन हमारे हॉस्पिटल से भी फोन आए थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बीएमसी वाले ने मुझे बोला था कि आप कहाँ पे रहते हो, आपका किसके साथ कांटेक्ट हुआ है, तो मैंने सब उनको बता दिया कि मैं फैमिली के साथ ही था, देन मैं एज अ हॉस्पिटल में एज अ वर्कर हूँ। तो उन्होंने बोला कि हॉस्पिटल में भी आप फोन करके उनको बता दीजिए कि इतने जन मेरे कॉन्टेक्ट में थे। देन हॉस्पिटल के हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारे HOD, उन्होंने भी फोन किया था, तो मैंने उनको बता दिया सबकी कौन कौन कॉन्टेक्ट में थे, तो मैंने सबका नाम बता दिया। तो उन्होंने सबको 14 डेज के लिए एज अ होम क्वारंटाइन किया था। जो यहाँ पे ड्यूटी कर रहे थे तो उनको यहाँ पे मतलब हॉस्पिटल में ही क्वारंटाइन किया गया था एज अ 14 डेज के लिए। अच्छा है, मतलब बाकी सब प्रोटेक्टेड रहे। तो उन कांटेक्ट ट्रेसिंग में से फिर कोई पॉजिटिव आया? कांटेक्ट ट्रेसिंग में से एक हमारे जो कलीग है वो पॉजिटिव आ गए थे। अच्छा, तो फिर उनको भी ट्रीटमेंट दी गई? उनको भी वैसे ही ट्रीटमेंट किया, 14 डेज हॉस्पिटल में क्वारंटाइन किया और ट्रीटमेंट चालू किया। आप भी 14 दिन रहे हॉस्पिटल में? हाँ, 14 डेज क्वारंटाइन रहा। सो दैट इन 14 डेज ऑफ आइसोलेशन दैट यू वर इन, वो 14 दिन के अंदर आपके मन में क्या क्या फीलिंग्स हुई? वैसे तो मुझे 4 डेज में इतना पैनिक हो गया था और टेंशन में था कि इसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि मेरी फैमिली मेरे सामने आ गई थी कि फैमिली को क्या होगा, कैसे होगा, उनको कैसे मतलब उनके ऊपर क्या होगी। देन मैं भी टेंशन में था कि अभी इससे आगे क्या, तो मैं भी थोड़ा टेंशन में था। तो जैसे जैसे 5 डेज जैसे स्टार्ट हो गया, मेरे फैमिली के फोन आया, सॉरी कलीग जो थे मेरे फ्रेंड्स थे, उन्होंने मेरे साथ फोन पे बात किया, तो फिर उन्होंने मुझे एक मोटिवेट जैसे कुछ ये किया कि ऐसा कुछ नहीं अभी हुआ है, सो डरने की बात नहीं है। तो जैसे जैसे मेरा डेज एकदम आगे चले गए, तो आई वॉज मीन्स सेटल हो गया मेरा माइंड। और ये इन 14 डेज में जो आप थे, तो आपने मेडिसिन तो काफी खाए होंगे, हाँ, तो वो मेडिसिन के वजह से आफ्टर डिस्चार्ज आपको कोई साइड इफेक्ट्स लगे? हाँ, बिकॉज इसमें वैक्सीनेशन नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, और जो हम लोग एज अ मेडिसिन दे रहे थे जैसे HCQ, एजिथ्रोमाइसिन, मल्टीविटामिन एंड विटामिन सी, तो एज आफ्टर डिस्चार्जिंग मुझे साइड इफेक्ट इतने होने लगे कि मतलब चेस्ट पेन, सीवियर एसिडिटी, एब्डोमिनल पेन एंड हेडेक। सो मैंने यहाँ पे आके डॉक्टर से भी कंसल्ट किया। पर ऐसा भी हो सकता है कि आप साइकोलॉजिकली भी बहुत स्ट्रेस में थे, हाँ, तो उसके वजह से भी आपको साइड इफेक्ट, हाँ, मतलब ज्यादा महसूस हुए हो? तो एज मैं यहाँ पे डॉक्टर से कंसल्ट किया एज इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, तो उन्होंने मुझे मेरे सब ब्लड टेस्ट वगैरह सब किए, तो सब नेगेटिव आ गए। तो डॉक्टर ने फाइनल ये डिक्टेट किया कि ये सब तुम्हारा साइकोलॉजी है कि तुझे कोविड हुआ था, देन तू पैनिक हो गया था, तो एक एंजाइटी जो बोलते हैं ये सब उसके मतलब क्या बोलते हैं उसके लक्षण थे, मतलब आपको सिम्टम्स थे, हाँ। तो मतलब कोरोना इतना मतलब बड़ा प्रॉब्लम है, वायरस छोटा सा है पर प्रॉब्लम इतना बड़ा है कि दिमाग में बैठ जाता है तो तकलीफ पे तकलीफ होती है। राइट।
आप डिस्चार्ज हो गए, उसके बाद आपने क्या प्रिकॉशंस लिए अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मैं हॉस्पिटल में क्वारंटाइन था, तो जैसे मुझे यहाँ पे ट्रीट हो रहा था ना, कि जैसे मॉर्निंग उठ के डॉक्टर्स बोलते थे मॉर्निंग उठ के थोड़ा प्राणायाम करो, देन हल्दी वाला दूध पियो और गर्म पानी, कंटिन्यूस गर्म पानी चालू रखो। तो जैसे मुझे यहाँ पे ट्रीट मिलता था ना, तो वैसे ही मैं घर पे जाके, मतलब घर पे फोन करता था कि आप भी ऐसे मतलब चालू करो, हल्दी वाला दूध पानी, मतलब गर्म पानी पीते रहो, देन आप जो भी कुछ आप खा रहे हो, तो मीन्स ऐसा कोई मतलब बाहर का वगैरह कुछ ऑयली या स्पाइस वगैरह मत करो। जैसे आप घर पे जो दाल चावल रोटी खा रहे हैं, दाल चावल रोटी खा रहे हैं ना, वही प्रॉपर डाइट मेंटेन रखो, इट मीन्स आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ाओ। तो हॉस्पिटल में मुझे यही इम्यूनिटी पावर बढ़ने की ज्यादा बेस दे रहे थे। तो मतलब हॉस्पिटल ने आपको अच्छे से ट्रीट किया, सब अच्छे से हुआ, बट इस पूरे चीज से, मतलब इस पूरे प्रसंग से आपने क्या सीखा या क्या मैसेज देना चाहते हैं सबको? एक्चुअली क्या है कि कोविड इट जस्ट फ्लू है, वो आपके सब इसके ऊपर है, आपका ये अगर सेटल, मतलब आप इसको अगर कंट्रोल रखोगे, इसको और माइंड को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। अगर आपका साइकोलॉजी आप कह रहे हैं, तो आप ऐसे, आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो सोशल मीडिया जो है, आप ज्यादा से ज्यादा वो देख के आपका साइकोलॉजी वो इसमें ये हो जाएगा। बट आप जब आप बेसिकली जो मतलब आप मुझे पूछेंगे, तो एक्चुअली मैं उसमें से ऐसा मेरा ऐसा क्या बोलते हैं ऐसा बाहर निकल रहा हूँ, या फिर मेरा वो फ्लो था कि मुझे मेरा पॉजिटिव आया, पैनिक में था, जैसे मैंने उसके साथ अभी ये कर दिया, चलो अभी मुझे कोरोना है तो इससे अभी फाइट कैसे करें, तो मैंने फाइट किया और लास्ट मेरा रिपोर्ट नेगेटिव आया, तो अभी मैं एकदम ओके हूँ, नॉर्मल हूँ, और मैंने अभी ड्यूटी भी ज्वाइन की है, मतलब अभी अब एकदम फिट एंड फाइन हो। तो मतलब कोरोना से आपने ये सीखा कि कोई भी चीज छोटी या बड़ी नहीं होती है, और इससे मैंने अपनी आगे लाइफ में कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो डरना नहीं है, डटे रहना है, और एकदम हाइपर ना होके ना, एकदम क्या बोलते हैं, शांति से कोल्ड होके जितना हो सके ना, उसमें सॉल्यूशन निकल ही जाता है। तो वही मैंने फॉर्मूला अभी आगे जाके यूज करने वाला हूँ बिकॉज ऑफ कोरोना, क्योंकि कोरोना ने मुझे बहुत कुछ सीखा है कि आगे जाके कैसे करना है, और इससे आगे भी आ सकती है, मतलब फैमिली का रहने दो, कौन से रहने दो, तो मुझे ये सीख मिले कि मुझे आगे जाके एकदम साइलेंटली और सॉल्यूशन डेफिनेटली निकल जाता है। जैसे कोरोना से मैं रहना, मुझे पहले पता था कि कोरोना से जिसको कोरोना होता है वो आदमी मर जाएगा, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया से वही देखा था, और मेरी फैमिली की जो फैमिली मेंबर्स है उन्होंने भी यही सोचा था कि अभी मेरे बच्चे को, मेरे भाई को, या मुझे कोरोना हुआ है कि मेरा अभी लास्ट जो है बिकॉज डेड, क्योंकि डेड कोई भी लाइफ में कोई भी एज अ प्रॉब्लम्स आए तो उसका एंड एज अ डेड नहीं होता। अगर आप उसके ऊपर थिंकिंग करोगे या उससे कैसे बाहर निकल सकते हो या इसका सॉल्यूशन क्या है, अगर आपने ये थॉट्स माइंड में रखेंगे ना, तो कोई भी चीज आपको सॉल्यूशन मिलता ही है और मिल ही जाता है। इसका मतलब है कि कोई भी चीज इतनी बड़ी नहीं होती, सबसे बड़ा हमारा आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस होता है। सो ही इज अ ट्रू कोरोना रिकवरर एंड अ ट्रू कोरोना वॉरियर, जो कोरोना होके ठीक होके अब वापस अपनी हेल्थ केयर में ड्यूटी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।